गाइस कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। एक और एप्पल इवेंट की तैयारी कर ली जाए। यहाँ पे एक एप्पल इवेंट खत्म हुआ और एक अक्टूबर में जो है यहाँ पे एप्पल इवेंट होने वाला है। बहुत टाइम से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लीक्स और रूमर्स इतने सारे चल रहे थे लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी यहाँ पे, और फाइनली जो है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक साथ अनाउंस होने वाले हैं। चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वो एयरपॉड्स हो, चाहे वो मैक मिनी हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग जो है एप्पल इवेंट रहने वाला है। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लीक्स निकल के आए हैं एप्पल इवेंट से रिलेटेड, आप लोगों को मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आपने और मैंने मिलकर 40K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। कुछ नहीं करना, रेड कलर का बटन दबाना है, बेल नोटिफिकेशन कॉल करना और आप लोगों को सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और हाँ, गिव अवे के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, आप लोगों को सारी चीजें जो है गिव अवे से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग लीक निकल के आया है यहाँ पे कि अक्टूबर 12 को जो है हो सकता है हमारा यहाँ पे एप्पल इवेंट, मतलब कि यहाँ से सिर्फ एक हफ्ते बाद हम लोगों को एप्पल इवेंट देखने के लिए मिल सकता है। वो भी हमारा होगा यहाँ पे ये मैकबुक वाला इवेंट, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है। हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं यहाँ पे मैकबुक की, मतलब WWDC जो है यहाँ से अनाउंसमेंट होने वाली थी कि मैकबुक आएंगे WWDC में, लेकिन नहीं आए। और अब एक लॉन्ग वेट के बाद जो है फाइनली इसी मंथ में हम लोगों को जो हमारे मैकबुक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे डेट से रिलेटेड जो है बहुत सारे लीक्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अक्टूबर 12 को इवेंट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो है 50-50 क्योंकि हम लोगों को जो यहाँ पे जो इन्वाइट आएंगे वो एक हफ्ता पहले आता है, मतलब कि आज 5th ऑफ अक्टूबर, मतलब एक दो घंटे बाद भी आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी, उसके एक दो घंटे बाद शायद इन्वाइट आ सकते हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले जो है मार्क गुरमन की तरफ से यहाँ पे जो है रिपोर्ट किया गया, जिनकी एक्यूरेसी 80-90% के आसपास रहती है, और उनकी तरफ से ये रिपोर्ट किया गया कि हम लोगों को अक्टूबर में जो है नेक्स्ट एप्पल इवेंट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो है अक्टूबर में पॉसिबिलिटीज जो है वो यहाँ पे 12th ऑफ अक्टूबर, 19th अक्टूबर और 26th अक्टूबर, तो ये तीन डेट्स और मैक्सिमम फोकस किया जा रहा है यहाँ पे 12th ऑफ अक्टूबर। उसके मेन रीजन है यहाँ पे, सबसे पहले लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि एप्पल का जो एजुकेशन डिस्काउंट जो भी इंडिया में खत्म हुआ 27 सितंबर को, वो जब खत्म हुआ था लास्ट ईयर तो उसके नेक्स्ट डे ही जो था एप्पल इवेंट था हमारा, जो iPhone 12 वाला इवेंट था, मतलब कि अक्टूबर 13 को आए गए और अक्टूबर 12 को जो है यहाँ पे एप्पल स्टूडेंट ऑफर खत्म हुआ था। इस बार USA में, इंडिया में तो खत्म हो गया, लेकिन यूरोप में जो है यहाँ पे 11th ऑफ अक्टूबर तक ये ऑफर चल रहा है और 11th के बाद खत्म है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, मतलब एक रूमर लीक आप लोग बोल सकते हो, यहाँ पे जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है कि उसके नेक्स्ट डे, मतलब खत्म होते ही स्टूडेंट डिस्काउंट खत्म होते ही नेक्स्ट डे हम लोगों को जो है नए मैकबुक्स की अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकती है। तो ये एक अच्छी चीज है, एक पॉसिबिलिटी है जो यहाँ पे लीक चल रहा है। उसके बाद एप्पल की वेबसाइट पे जो है मैकबुक प्रो जो 16 इंच वाले हैं, मतलब जो इंटेल वाले मैकबुक प्रो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो 2-3 वीक्स बाद दिखा रहा है। मतलब अभी आपको जो यहाँ पे लेटेस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप ऑर्डर करोगे तो आपको 3 हफ्ते बाद मिलेगा, जिसका सिंपल मतलब यहाँ पे ये कि एप्पल आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप नए 16 इंच वाले मैकबुक लो, पुराने वाले लेने की कोई जरूरत नहीं है इंटेल वाले, और आपको जो यहाँ पे नए लेने चाहिए। तो यहाँ पे ये एक चीज जो है हिंट कर सकती है हमारे नए एप्पल इवेंट, मतलब क्लोज जो हो सकता है कि 12th अक्टूबर को हम लोगों को एप्पल इवेंट देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद वॉच सीरीज के अनाउंसमेंट, एप्पल ने कल न्यूज रूम में जो अनाउंसमेंट कर दी कि हम लोगों को जो है यहाँ पे वॉच सीरीज जो है 15 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन वॉच सीरीज जो है हम लोगों को पता था कि आने वाले, लेकिन एक अच्छे तरीके से अनाउंसमेंट करना, तो अगर एप्पल इवेंट अक्टूबर 12 को होता है तो एप्पल के पास एक अच्छा चांस है कि अपने इवेंट में स्टार्टिंग में टिम कुक आके बोल दे कि जो वॉच सीरीज 7 है वो हम लोगों को 15 अक्टूबर से देखने के लिए मिल जाएगी, आप लोग प्री ऑर्डर वगैरह कर सकते हो, दो प्री ऑर्डर पहले स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद एक चीज जो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, आज स्टीव जॉब्स की 5th अक्टूबर को जो है डेथ एनिवर्सरी होती है, तो इस टाइम पे जो है प्रेस इनवाइट्स आना थोड़ा सा 50-50 है, हो सकता है वो उसको एक फेवर में लेके चले कि शायद प्रेस इनवाइट्स देंगे हम स्टीव जॉब्स की डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे, या फिर जो है इस टाइम को एक गलत तरीके से कि एप्पल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लॉस था, स्टीव जॉब्स की डेथ एनिवर्सरी है आज, तो इस टाइम पे प्रेस इनवाइट्स देना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 50-50 है यहाँ पे, अक्टूबर इवेंट हो भी सकता है, मतलब 12th ऑफ अक्टूबर को हो भी सकता है और हो सकता है ना भी हो, नहीं तो हम लोगों को जो है 19 अक्टूबर को प्रेस इनवाइट्स देखने के लिए मिलेंगे और 26 अक्टूबर को जो एप्पल इवेंट यहाँ पे हो सकता है। अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, एक दो घंटे में पता चल जाएगा हम लोगों की इनवाइट आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर इनवाइट आ गए तो मतलब 12th ऑफ अक्टूबर को हमारा एप्पल इवेंट होने वाला, और अगर बाय चांस नहीं आए तो 26 अक्टूबर या फिर जो है हो सकता है हमारा यहाँ पे 19 अक्टूबर, इन तीन डेट्स में से कोई भी डेट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या अनाउंस होने वाला है। तो सबसे पहले ऑल न्यू एप्पल सिलिकॉन M1X या फिर M2 चिप वाले मैकबुक प्रो 14 इंच एंड 16 इंच विद मिनी LED, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है। जो हम लोगों को मैकबुक प्रो से हटाना था वो एप्पल ने हटा दिया, और जो हम लोगों को चाहिए था वो एप्पल यहाँ पे जो है लेकर आ रहे, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पे मैकबुक के लिए। आप में से कितने लोग मैकबुक परचेज करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है एयरपॉड्स 3 की यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है कि हम लोगों को मैकबुक वाले इवेंट में देखने के लिए मिलेंगे या फिर नहीं।
क्योंकि जो है यहाँ पे एयरपॉड्स हमेशा से जो है प्रेस रिलीज में निकल के आए हैं, कभी भी एप्पल इवेंट में एप्पल ने जो है एयरपॉड्स को रिलीज नहीं किया, तो इस बार शायद जो है एप्पल एयरपॉड्स को यहाँ पे इवेंट में अनाउंस कर सकता है। बट वही है कि यहाँ पे जो लीक्स थे वो लेटर दिस फॉल थे कि 2021 में कभी भी, तो हो सकता है नवंबर में आए, हो सकता है दिसंबर में आए, कुछ भी यहाँ पे जो है कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है एप्पल एयरपॉड्स 2 जो है आईफोन 12 के साथ दे रहा है, आप लोगों को पता है। तो ये क्या चल रहा है, एप्पल के पास कितना स्टॉक है कुछ नहीं पता, एप्पल जल्दी से जल्दी अपना स्टॉक खत्म करने की कोशिश कर, और आप लोगों को एयरपॉड्स से देखने के लिए मिल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे कंफर्म नहीं है। उसके बाद जॉन प्रोसर की तरफ से एक लीक निकल के आया था, मैक मिनी कंप्लीटली रीडिजाइन विद डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स वगैरह हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, कंप्लीट रीडिजाइन मैक मिनी, तो वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है विद M1X चिप और M2 चिप जो भी एप्पल बोलेगा। अगर 12th अक्टूबर को यहाँ पे इवेंट होता है तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत जल्दी हम लोगों को जो नए नए प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, अनबॉक्सिंग देखने के लिए मिलेगी, नहीं तो हम लोगों को थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा यहाँ पे 19th या फिर 26th अक्टूबर का। आप लोग बताओ आप लोगों के हिसाब से जो है कब होगा ये इवेंट, में वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, अपनी सजेशन देना कि आपके हिसाब से कब होना चाहिए यहाँ पे एप्पल इवेंट, मतलब हम लोग मैक्सिमम देखेंगे कि क्या आप लोग सोचते हो एप्पल इवेंट के बारे में और एप्पल कैसे काम करता है, तो मेरे को आप लोग जरूर बताना। बस ये थी मेरी आज की वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।